मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि केसली जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 से प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद देवेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम टाडा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने गाजे बाजे के साथ जनता का आभार जताया और कहा कि सालों से जनता के हित में काम किया है और जनता का निःशुल्क केश भी लड़ा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से वह केवल चुनाव के समय से नहीं, पहले से जुड़े हैं। हम पहले से ही विचार बना के रखे थे कि चुनाव में जरूर लड़ना है, क्योंकि राजनीति को नई दिशा देने का हमारा मूड था और इस चुनाव में जो है क्षेत्र की जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत से जो है हमें इस दिशा में मुड़ा है और इस प्रचंड जीत में हमारा सहयोग किया है। बहुत से यहाँ के गरीब बेरोजगार लोग के लिए जाते हैं, जो भाई साहब का ऑफिस है केसरी में, मदद करने के लिए वो निःशुल्क और स्वयं के पैसों से बहुत से गरीब आदमियों की जमानत जनपद या तहसील में काम होते हैं, नकलें खसरा बीमा तो खुद के पैसे से निकलवा देती। यही भी यहाँ के किसान बंधुओं को बहुत ही अच्छी बात लगती थी, जिस कारण भाई साहब को बहुत बड़े बहुमत से विजय बनाया। यही कारण है कि जनता से आज चुनाव आज लड़े हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से वो जो संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, यही कारण है कि आज एक तरफा और प्रचंड बहुमत से उनको इस पूरी जनता ने विजय बनाया।